एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कपल स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एज गैप कितना होना चाहिए, क्या सही एक आइडियल एज गैप होना चाहिए जिसकी वजह से कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, क्या एज की वजह से प्रॉब्लम आ भी सकती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कम एज गैप हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एज गैप हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, कोई और कपल स्पेशल वीडियो की रिक्वेस्ट हो आपकी जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ में। पहली बार मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो जल्दी से मेरा वीडियो देखने आ जाना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि एक रिश्ते के लिए प्यार बहुत ज़रूरी होता है, और प्यार अगर हमें किसी से हो और उसका हमें साथ मिल जाए, उससे हमारी शादी हो जाए तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। हमने ये भी सुना है कि लव जो है वो ब्लाइंड होता है, लव अंधा होता है, और हमें किसी से भी किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है, उसके लिए एज गैप, उसकी इनकम, उसका स्टेटस, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो ऐसी चीज़ें हमने सुनी हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये सच है, क्या ये काम करती होंगी या नहीं करती होंगी। हाँ, मैं मानती हूँ प्यार एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका किसी फ्रेंड के साथ रिश्ता हो या अपनी वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो। तो अगर एक प्यार है, एक अफेक्शन है, एक लगाव है आपका उनके साथ, तो रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं मैनेज करने की, कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करने की, तो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है। लेकिन क्या सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी चलती है? नहीं, जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं, और सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती है। एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का कंपैटिबल होना, उनकी सोच, वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आपको एक पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ता भर साथ रहना है तो चलो मैनेज कर लिया, सारी ज़िंदगी का ये आपका रिश्ता होने वाला है। अगर आप एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आगे चल के। किसी से आपको अगर प्यार हो गया और उससे आपने शादी भी कर ली तो थोड़ी बहुत आप एडजस्टमेंट कर लोगे, ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। लेकिन जब अरेंज्ड मैरिज कराई जाती है तो ऐसे में आप सामने वाले इंसान को इतना जानते नहीं हो, आप का उससे इतना अट्रैक्शन और अफेक्शन नहीं हुआ होता है, तो ऐसे में पेरेंट्स जो हैं या हम खुद भी यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम एक ऐसा इंसान चूज़ करें कि जिससे हमारी सिमिलैरिटीज़ हों, जिससे हम यू नो सेम बिलीफ हो हमारे, सेम हमारा एक तरह से एटीट्यूड हो लाइफ को जीने का, हमारे जो फ्यूचर प्लान हैं वो मैच करते हों। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं, हर किसी की अलग अलग चीज़ें होती हैं कि वो क्या प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि जब आप अरेंज मैरिज के लिए अपना पार्टनर चूज़ करने जाते हो तो उससे आप ये चीज़ें पूछ सकते हो, 10 ऐसी मैंने बातें बताई हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, तो उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और इनमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, एक्चुअली कोई नया नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है कि एज भी देखी जाती है कि दोनों पार्टनर का जो एज गैप है ना तो वो बहुत कम हो, लाइक सेम एज के भी नहीं होने चाहिए, और ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एज गैप भी नहीं होना चाहिए। तो कितना एज गैप सही होता है और क्यों ये चला आ रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने बड़ों का एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं कि जो हमारे बड़े हैं हमारे फैमिली के, जैसे कि मम्मी पापा हो गए या हमारे रिलेटिव्स में हमारे अंकल आंटी हो गए, उनके आप एक और बड़ी वाली जनरेशन में चले जाओगे, अगर हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके बीच में अगर आप देखोगे ना तो एज डिफरेंस आपको कम से कम 5-7 ईयर का तो मिलेगा ही मिलेगा, 5-7 साल वो एज गैप में रहते थे। जो वाइफ होती थी वो छोटी होती थी 5-7 साल, और जो हस्बैंड हैं वो बड़े होते थे। और आप देखोगे कि आज के कंपैरिजन में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा
कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी मैरिज में और ज़्यादातर स्मूथ जाती थी, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो एज भी एक फैक्टर होती है उसमें। तो एक तो आप यही चीज़ फॉलो कर सकते हो कि क्योंकि हमने इतने सारे एग्जांपल देखे हुए हैं अपने बड़ों के और उनके एक्सपीरियंस को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए 5 से 7 ईयर का एज गैप को हम आइडियल लेके चल सकते हैं, और खुद अपने पार्टनर में भी हम यही देख सकते हैं कि 5 से 7 ईयर का गैप हो तो उसे हम चूज़ करें। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को देखते हुए आई थिंक 4 साल का गैप भी चल जाएगा और 3 साल का भी चल जाएगा। तो 3 साल से लेके 7-8 साल तक का बीच का अगर गैप है तो वो मेरे हिसाब से ठीक है, और आप इतने ईयर को आइडियल मान के चल सकते हो कि अगर 3 साल का गैप है और बाकी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि अच्छी हैं आपके पार्टनर के लिए उस इंसान में जिसे आप चूज़ कर रहे हो, तो तब उनको आप चूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। 3 साल का भी अगर गैप है या 4 का है तो, और उससे ऊपर अगर 5, 6 या 7, 8 का है तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। अब अगर इससे कम का एज गैप होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे ज़्यादा का अगर एज गैप होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर एज गैप जो है वो बहुत ही कम होगा, जैसे कि बिल्कुल ही सेम एज के हुए, लड़का भी 25 साल का है, लड़की भी 25 साल की, या फिर सिर्फ 1 साल का या 2 साल का ही डिफरेंस हुआ, तो क्या होता है ना कि ऐसे में आप सेम ही एज जनरेशन में लाई करते हो, और अगर सेम ही आप लोगों की जनरेशन होगी तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग एक ही तरह से रिएक्ट करोगे, एक ही तरह से आप बिहेव करोगे, आपका जो मैच्योरिटी लेवल होगा ना वो भी कहीं ना कहीं सेम ही होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि लड़ाई होने के, चीज़ों में क्लैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों का स्टडी में भी आप अगर चेक करोगे, ऑनलाइन थोड़ी सी अपनी रिसर्च करोगे, तो यही देखा गया है कि जिनका एज गैप बहुत कम होता है या सेम एज के होते हैं, वहाँ पर लड़ाई और क्लैशेज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, सेम ही तरह से रिएक्ट करते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा एज गैप ज्यादा रखोगे, लाइक जैसे मैंने आपको बोला 4-5 साल का अगर एज गैप होगा, तो थोड़ा सा जो बड़ा वाला जो एल्डर इंसान है जिसकी ज्यादा एज है, वो थोड़ी सी ज्यादा मैच्योरिटी रिश्ते में लेकर आएगा और थोड़ा सा मैच्योरिटी चीजों को हैंडल करेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी सेम एज गैप आपको नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर एज गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 10-15 साल का एज गैप है, 20-25 साल का भी एज गैप आपको काफ़ी कपल्स में देखने को मिलेगा। और मेरे पास एक अभी रिसेंटली एक DM आया था, उन्होंने बोला कि उनके और उनकी वाइफ के बीच में 25 साल का एज डिफरेंस है, और अपनी एज के चलते उनकी एज हो गई है हस्बैंड की, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, उनका एक बेटा भी है, उनकी एज हो गई है, उनको काफ़ी बीमारियाँ हैं, और वो मतलब इतना ज़्यादा अपना मतलब तोड़ चुके थे हौसला कि वो चाहते थे कि उनकी वाइफ जो है वो उनसे नफरत करने लगे और उनको छोड़ कर चली जाए, क्योंकि उनसे ये सब चीज़ देखी नहीं जा रही थी कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा, और मेरी वाइफ जो है वो फिर सफ़र करेगी, अभी भी वो सफ़र कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफ़रत करने लगे, मुझे छोड़ दे, अपनी नई ज़िंदगी बसा ले। तो ये चीज़ें आप उस टाइम पर क्यों नहीं सोचते कि जब आप शादी करने लगे हों। एक जो शादी का फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला होता है हमारी ज़िंदगी का, और जो मेरी जो वीडियो है वो वाली जिसमें मैंने बताया था कि अरेंज मैरिज के लिए आप ये चीज़ें पूछ सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी सारे मुझे कमेंट इस तरह के आए कि इतना कोई नहीं देखता, इतना कोई नहीं पूछता। ठीक है, आपको नहीं पूछना, आपको नहीं देखना, वो आपकी मर्ज़ी है, पर दूसरों को तो मत बोलो ना, जिसको पूछना है वो पूछेगा। और मेरे हिसाब से तो वहाँ पे मैंने इतनी बेसिक सी चीज़ें बताई हैं कि आपको वो चीज़ें ज़रूर शादी से पहले, या तो पहली मीटिंग में नहीं भी कर पाओ तो शादी से पहले आपकी जो बातें होती हैं उसमें कम से कम ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस इंसान के साथ आप सारी ज़िंदगी बिताने वाले हो अपनी, और आप ऐसे ही किसी को भी चूज़ कर लोगे तो बाद में फिर आप लड़ते रहना और यही सब होता रहेगा प्रॉब्लम्स की, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे बेटर तो इतना बड़ा जो आपकी ज़िंदगी का फैसला है वो थोड़ा सा सोच समझ के ले लो। तो अब बात करते हैं कि इसी चीज़ पे कि जो बहुत ज़्यादा एज गैप होता है उसमें एक प्रॉब्लम तो यही मैंने आपको बता दी कि जो एल्डर जो बड़ा इंसान होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो जल्दी उसकी एजिंग हो जाएगी। और एज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ नेचुरली होती हैं, हमारा स्टेमिना बॉडी का कम हो जाता है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हमें जल्दी ही बीमारियाँ भी लगने लग जाती हैं, ऐसे में जो हमारा
छोटी एज का पार्टनर होगा ना, वो एक हमारा केयर टेकर ही बन के रह जाएगा और हमें खुद उसके लिए गिल्टी फील होगा कि यार मेरी वजह से इसकी लाइफ ख़राब हो रही है, ये अपनी लाइफ पूरी तरह से नहीं जी पा रहा, ये सिर्फ मेरा केयर टेकर बन के रह रहा है, तो अपने आप में ही आपको वो गिल्टी फील होता रहेगा। तो एक तो यही बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा क्या है, आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, आप जल्दी ओल्ड दिखने लगोगे, आपको खुद से इनसिक्योरिटीज़ होने लगेंगी कि यार मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो तो इतना यंग दिख रहा है और मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज़ को देख के हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें लगता है कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि मिलिंद सोमन है, उनकी वाइफ उनसे 34 साल छोटी है, मतलब कि जब उनका एक वो गाना फेमस हुआ था मेड इन इंडिया, जब वो उस पर काम कर रहे होंगे, जब इंडिया की इतनी सारी लड़कियां उन पे मर रही होंगी, तब उनकी जो वाइफ है वो डायपर में घूम रही होगी बेसिकली। तो इतना ज़्यादा एज गैप है उनमें। सैफ अली खान और करीना कपूर को आप देख लो, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस को देख लो, प्रियंका चोपड़ा तो निक से बड़ी भी हैं। तो हम जब ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखो, अपनी लाइफ का कोई भी डिसीज़न हो, और ये तो इतना बड़ा डिसीज़न है, हमें किसी और से इन्फ्लुएंस्ड होके अपने लाइफ के डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। हम उनके जैसा ना तो लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, ना ही जैसा उनका सर्कल है वैसा हमारा सर्कल होता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनके लिए काम कर गई वो हमारे लिए भी करे। और मैं उनकी ही बात क्यों ना करूँ, अगर आपके आसपास भी आप देखो कि अच्छा ये कपल ने ऐसे किया, इन दोनों के बीच में ऐसा ऐसा था, तो ये तो इनकी शादी तो सक्सेसफुल है तो मेरी भी हो जानी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान अलग होता है, इसीलिए दो तरह के एक इंडिविजुअल मिलते हैं जब, तो वो एक कपल बनते हैं तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अलग ही तरीके की होती है। हर कपल के बीच की अंडरस्टैंडिंग, उनके बीच का जो तालमेल होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हमें कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी और के रिश्ते से लेके। आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो, आपको उससे प्यार हो गया हो, या अरेंज मैरिज की मीटिंग में आपको वो इंसान बहुत पसंद हो, आपको लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकता है, लेकिन एज गैप में प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो ऐसे में एक चीज़ आप हो सकता है नेगलेक्ट आप कर दो। जैसे कि हो सकता है 5 से 7, जैसे मैंने आपको कहा कि होता है आइडियल, तो 5 से अगर थोड़ा कम भी है, 3 या 4 साल का भी है, तो भी आप एक बार को उसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि चलो बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक चीज़ हम इस चीज़ में मैनेज कर भी सकते हैं। या फिर 9-10 साल का एज डिफरेंस है तो भी आप एक बार को अपनी फैमिली में डिस्कस करके, खुद से सोच के, और ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि चलो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 5-7 से थोड़ा ही ऊपर है, 8-9 साल का भी एज गैप है, तो आप उसमें भी चलो एक बार को मैनेज कर लो, क्योंकि बहुत बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन अगर और चीज़ें भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं, वो पार्टनर आपको और चीज़ों में भी सही नहीं लग रहा है, ऊपर से एज गैप में भी चीज़ें हैं, तो ऐसे में फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप फिर दूसरे पार्टनर के लिए आप लुकआउट करो। एज को आप एक फैक्टर मान के चल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, सेम एज ग्रुप में भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा 10 साल से ऊपर का एज गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और एक और चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा एज गैप होता है हस्बैंड वाइफ में, फॉर एग्जांपल 15-20 साल का अगर एज डिफरेंस होगा, तो आप सोचो कि जो बड़ा जो पार्टनर है जिसकी एज ज़्यादा है, वो हमेशा आपको डोमिनेट करता रहेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको समझाता सिखाता ही रहेगा। लाइफ पार्टनर कम, वो आपका एक फादर फिगर या मदर फिगर ज़्यादा बन जाएंगे और बच्चे के जैसे आपको ट्रीट करेंगे। तो वहाँ भी ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, और भी बहुत चीज़ें प्रॉब्लम होती होंगी, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें एक ऊपरी तौर पर बात करी है, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो अलग अलग तरीके का होगा, उनकी लाइफ की चॉइसेस अलग अलग तरीके की होंगी, तो ये सारी चीज़ें और ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना व्यू इस चीज़ पे दे दिया, बाकी तो एट दी एंड डिसीज़न आपका खुद का ही है कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हो। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको अपना सजेशन दिया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।